Assalamualaikum friends, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube ने जो न्यू अपडेट आई थी YouTube की उसने अब उसको लागू करना शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से काफी लोगों के चैनल जो हैं वो डीमोनेटाइज्ड हो रहे हैं और उनको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक भी पड़ रही है। वो क्या मिस्टेक है, जो गलतियां उन्होंने की हैं अपने चैनल के अंदर, वो सारा बताता हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले YouTube ने काफी अपडेट्स कर रहा है, उसमें एक अपडेट ये भी शामिल थी कि मिसलीडिंग टाइटल्स जो मीटा टैग्स वगैरह हैं उसकी मिसलीडिंग, यानी कि अगर आपके वीडियो के अंदर कुछ और है और टाइटल के अंदर आपने कुछ और लिखा है अपने व्यूज लेने के लिए या जो सा थंबनेल के अंदर कुछ और मेंशन किया हुआ है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, तो उसको मिसलीडिंग कहा जाता है। उसकी वजह से जो है आपकी जो स्ट्राइक पड़ सकती है चैनल के ऊपर, जो पहले कुछ दिनों पहले YouTube ने ये अपडेट की थी तो उसको अब लागू कर रहे हैं। लोग समझ रहे थे कि ये ऐसे ही है, कुछ नहीं होगा, लेकिन अब उसको लागू करना शुरू कर दिया। आप ये स्क्रीनशॉट देखें, इसमें आपको वाजह तौर पर नजर आ जाएगा ये दो स्क्रीनशॉट्स के अंदर कि जो लोगों के चैनल उसके डिमोनेटाइज्ड हुए हैं और उनको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी पड़ी है सिर्फ इसी वजह से। आप भी अपने चैनल के अंदर चेक करें कि आपका अगर आपने जो मिसलीडिंग की हुई है टाइटल के अंदर कुछ और है, वीडियो के अंदर कुछ और है, या टैग्स इस तरह के लगाए हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह, थंबनेल वगैरह, किसी चीज के अंदर भी कुछ ऐसी चीज है जो आपकी वीडियो के अंदर मौजूद नहीं है, वीडियो से रिलेटेड ही नहीं है, तो उस चीज को खत्म करें, उसको ठीक करें, वरना आपके चैनल पे भी स्ट्राइक पड़ सकती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। कि अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अगर 3 से ज्यादा स्ट्राइक्स आपके ऊपर चैनल के ऊपर पड़ जाए तो आपका चैनल जो है वो बंद हो जाता है। पहली स्ट्राइक पे कुछ नहीं होता, दूसरी पे आपकी अपलोडिंग बंद हो जाती है। इसी तरह अगर आपकी 4 स्ट्राइक पड़ गई तो आपका चैनल गया काम से। तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि अपने चैनल के जो भी मिस्टेक्स अगर आपने की हुई है तो उनको खत्म करें, ताकि आपके चैनल जो है डीमोनेटाइज होने से बच सके, और अगर डीमोनेटाइज नहीं है तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बच सके और आपका चैनल जो है वो डिलीट होने से बच सके। फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और इस चीज पर अमल भी करेंगे ताकि आपके चैनल जो है वो सेव रहें और आप ग्रो कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।